हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट हब। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये मेरा एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे जो आपका सिलेबस है इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का, उसको मैं काफ़ी ब्रीफली वे में डिस्कस कर देता हूँ कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। उन चैप्टर्स के अंदर आपके कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल गेटहब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो जैसा कि हमको यहाँ पे टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, जिसको मैं एक एक करके मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पहला जो इसमें चैप्टर हमको पढ़ना है वो पढ़ना है एनर्जी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एनर्जी हमारा क्या होता है, कितने टाइप का एनर्जी होता है, ठीक है, और हमारे कितने जो जो टाइप के एनर्जी आएंगे उनका डिमेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि हमारा जो एनर्जी के सोर्सेस क्या होते हैं। जैसे हो गया, इसमें आ जाएगा मेरा रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। दीज आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट देखेंगे हम थर्मल एनर्जी, ठीक है, कि हमारा थर्मल एनर्जी क्या होता है, थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। जिसमें देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में हमें पढ़ना है वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी, ठीक है। तो हम एक एक करके इन सब का जो प्रोडक्शन कैसे किया जाता है इन एनर्जी का, ठीक है, क्या हमारे पास सेटअप्स होते हैं और इनमें क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका हाइड्रो पावर, ठीक है, कि हमारा हाइड्रो पावर क्या होता है, हाइड्रो पावर का जनरेशन हम कैसे करते हैं, ओके, और किन किन एरिया में हाइड्रो पावर का जनरेशन हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, ये सब के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं एनर्जी के अंदर, ठीक है, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो दूसरा चैप्टर है वो है मेरा इन्वायरमेंट, ओके। तो देखिए हमें यहाँ पर इन्वायरमेंट में पढ़ना है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है, बायोटिक फैक्टर क्या है, एबायोटिक फैक्टर क्या है, इकोटोन क्या होता है, फूड चेन एंड वाटर साइकिल, ठीक है। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कि एनर्जी जब हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे उस टाइम, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें एनर्जी के अंदर पढ़नी है। नेक्स्ट इसका हमारा जो सब्जेक्ट है, सॉरी आई मीन चैप्टर है, वो है मेरा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो हमें इसमें पढ़ना है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पेसिस बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे पढ़ना है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और हमारा कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी, कि हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से रूल हैं और कौन कौन से एक्ट्स बनाए गए हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट आता है मेरा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, ठीक है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जैसे इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होती है, उसके बाद ग्रीन हाउस अफेक्ट क्या होता है एंड आपका ग्रीन हाउस अफेक्ट का देखेंगे उसका अफेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन क्या होता है और हमारे ओजोन डिप्लीशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, ये सब हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज के चैप्टर में। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं पॉल्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इसमें पढ़ने हमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स पढ़ना है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मेजर टू कंट्रोल पॉल्यूशन, कि हम पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे वो चीज़ देखेंगे। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन, कि वाटर पॉल्यूशन मेरा क्या होता है, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन के अंदर हमको यहाँ पे पढ़ना है COD एंड BOD, ठीक है। COD का फुल फॉर्म हो गया केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड BOD का फुल फॉर्म हो गया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो हम जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं किसी भी वाटर का पॉल्यूशन पॉल्यूशन लेवल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से हमको पढ़ना पड़ेगा सॉइल पॉल्यूशन, कि सॉइल पॉल्यूशन होता क्या है और सॉइल पॉल्यूशन को पॉल्यूटेंट्स होने से हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, और उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है सॉइल पॉल्यूशन के लिए, ये सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें से रेडिएशन पॉल्यूशन, ठीक है, कि रेडिएशन पॉल्यूशन कैसे होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर चैप्टर है वो है मेरा
डिग्रेडेशन, ठीक है, कि जो भी मेरा वेस्ट मटेरियल है उसका डिग्रेडेशन कैसे करेंगे, जैसे सॉलिड वेस्ट हो गया तो सॉलिड वेस्ट को हम इसका डिग्रेडेशन कैसे करेंगे। दूसरा आ गया ई वेस्ट, ई वेस्ट यानी हो गया जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के द्वारा जो हमारा पॉल्यूशन होता है तो उसका वेस्ट को हम डिग्रेडेशन कैसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इसमें जो लास्ट जो चैप्टर है, ठीक है, वो चैप्टर है आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, कि गवर्नमेंट के द्वारा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से एक्ट्स लगाए गए हैं, ठीक है, कौन रूल्स हैं हमारे, इसके ऊपर इस टॉपिक में लास्ट वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी ब्रीफली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में तो मैं आपको केवल सिलेबस बताया, बट जो नेक्स्ट में वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उस पर हम क्या करेंगे, एनर्जी के ऊपर सबसे पहले जो मेरा वीडियो रहेगा, ठीक है, उसमें जितना हो सके मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। सो थैंक यू।